हाँ तो भाई अगला जो आपका जो टॉपिक है वो है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पर बेसिकली दो बॉडीज के बीच में जो आपकी डिफरेंस होगा वेलोसिटीज का या उनका अपना रिलेशन होगा वो समझाया जाएगा। अब एक बार बताइए, आप एक जगह पर बैठे हुए हैं ना, मेरी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, आपके विद रिस्पेक्ट मैं मोशन में हूँ ना, मैं चल रहा हूँ, पर जब मैं चल रहा हूँ ना तो मुझे पता क्या दिख रहा है, बेसिकली ये कैमरा इधर उधर हो रहा है। कैसी बातें कर रहे हो आप ना, आप चल रहे हो और कैमरा आपको इधर उधर देख रहा है तो आप पागल हो गए हो क्या? अरे नहीं, सीरियसली यार, अगर फिजिक्स के साथ बात करें, फिजिक्स में रहकर बात करें, तो सपोज मैं ट्रेन में हूँ ना और ट्रेन चल रही है और मैं बैठा हुआ हूँ अंदर और मैं बाहर की किसी भी चीज को देख रहा हूँ, तो मुझे क्या दिखेगा? बाहर कोई भी खड़ी हुई चीज होगी, तो अगर मेरी ट्रेन इधर की तरफ जा रही है तो वो बंदा पीछे जाता हुआ दिखाई देगा मुझे, तो मुझे तो ये दिख रहा है ना कि बंदा पीछे गया। साइंटिफिकली सोचिए, बंदा पीछे गया तो इसका मतलब मेरे विद रिस्पेक्ट बंदा मोशन में था। अब बंदे के विद रिस्पेक्ट क्या था? मैं मोशन में हूँ। तो ये जो विद रिस्पेक्ट वाला जो कंसेप्ट है यहां से निकल के आता है रिलेटिव, आपस में का रिलेशन क्या था, कौन किसके विद रिस्पेक्ट मोशन में था, कौन किसके विद रिस्पेक्ट रेस्ट पे था। चलिए मैं इसका ग्राफिकल सॉरी इसका डायग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है क्लियर हो जाए आपको। सपोज ये आपके पास ए बॉडी है, ये आपके पास बी बॉडी, ठीक है, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के विद रिस्पेक्ट मैंने कोई पॉइंट ऑफ रेफरेंस ले लिया जो कि ओ था, ठीक। तो इनिशियल डिस्टेंस मैंने मान लिया ए का x01, x01, ठीक है, और बी का मैंने मान लिया x02, ठीक है। एक इनिशियल वेलोसिटी मैंने मान ली v1 और बी की मैंने इनिशियल वेलोसिटी मान ली v2, ठीक है। और ये कब था? जब मैं नोटिस करना शुरू करा था, तो जब मैंने नोटिस करना शुरू करा तो इसका मतलब उस समय टाइम को मैं क्या मानूंगा? जीरो। टाइम t इज इक्वल टू जीरो पर जब मैंने नोटिस करा तो उस समय जो ए बॉडी थी उसकी वेलोसिटी थी v1 और बी बॉडी थी उसकी वेलोसिटी थी v2, और मैं खुद कहाँ हूं? मैं हूं यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है। तो मेरे विद रिस्पेक्ट ए x01 की दूरी पर है और बी x02 की दूरी पर है। मेरे विद रिस्पेक्ट मैं कहाँ खड़ा हूँ? वो दुबला पतला सा जो इंसान दिख रहा है हूँ नहीं मैं, वैसे अच्छी खासी बॉडी है ना। तो बेसिकली बी और ए का जो मोशन है मेरे विद रिस्पेक्ट ये चलता जाएगा और मैं इनको नोटिस करूंगा किसी टाइम टी के बाद, किसी टाइम टी के बाद जब मैं इनको नोटिस करूंगा तो अब जो आपके पास ए का डिस्टेंस है वो हो चुका होगा सपोज x1, सपोज ये ए यहां पर आ चुका है, ठीक है, और बी आपका समथिंग यहां पहुंच चुका होगा, तो मैं बी का डिस्टेंस कितना मान लेता हूं? मैं बी का डिस्टेंस मान लेता हूं x2, समझिएगा यहां पर, ठीक। तो ए की वेलोसिटी थी v1 और बी की वेलोसिटी थी v2, अब उनके पास जो डिस्टेंस कवर्ड हो गया वो कितना कितना था? ए ने कवर कर लिया x1 और बी ने कवर कर लिया x2, सिंपल है ना। अब समझने वाली चीज जो आ रही है, ए का जो टोटल डिस्टेंस है, अगर मैं देखूं ए का जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है? x1 है टोटल डिस्टेंस उसका, है ना। बट x1 क्या क्या इंक्लूड कर रहा है? x1 इंक्लूड कर रहा है x01, एक तो ये डिस्टेंस, और दूसरा जो उसने v1 वेलोसिटी के साथ कवर करा किसी टाइम टी में, तो दूसरा डिस्टेंस ये हो गया v1 into time t, है ना। तो मैं क्या लिखूंगा? x1 इज इक्वल टू x01 plus v1 into time t, ये तो लिखूंगा, सिंपल है, ठीक है। सिमिलरली बी का जो टोटल डिस्टेंस था वो क्या था? x2 था, बट x2 में क्या है? x2 में एक तो ये है x02 और दूसरा उसने जो v2 वेलोसिटी के साथ किसी टाइम टी में कवर करा, तो मैं क्या लिखूंगा? x2 विल बी इक्वल टू व्हाट? x02 in plus v2 into t, ये तो लिखूंगा। x1 और x2 ये आपके जो दो अलग अलग डिस्टेंसेस कवर्ड हुए हैं ए और बी के, तो इनके विद रिस्पेक्ट अब टी टाइम के बाद ए और बी कितनी दूरी पर हैं, तो मैं क्या करूं? सिंपली इन दोनों को माइनस कर देता हूं, x2 minus x1। तो x2 माइनस अगर मैं x1 करता हूं तो दोनों तरफ करूंगा ना, तो इधर से आ जाएगा x02 minus x01, ठीक है। और यहां पर जब इनको माइनस करूंगा तो मैं यहाँ पर प्लस का साइन कॉमन ले रहा हूँ बीच में, ठीक है, और टाइम टी बाहर आ जाता है, ठीक, और माइनस कर रहे हैं किसको? इसमें से इसको, तो v2 minus v1, सिंपल, v2 minus v1, ठीक। अब ये कोई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है टाइम टी के बाद का, टाइम टी के बाद जो ए और बी के बीच की जो दूरी थी वो दिखा रही है x2 minus x1,
और टाइम टी से पहले जो टी इज इक्वल टू 0 पर था, उन तो ए और बी के बीच की तब की दूरी कौन दिखा रहा है, तो वो दिखा रहा है एक्स नॉट टू माइनस एक्स नॉट वन, दैट इज रिलेटिव पोजिशंस। ये रिलेटिव पोजीशन है टाइम टी इज इक्वल टू टी की, और ये रिलेटिव पोजीशन है ए और बी के बीच की टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर। तो मैं क्या कह लेता हूं, लेट एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू एक्स एट टी इज इक्वल टू 0, ओ सॉरी टी इज इक्वल टू टी, दैट इज रिलेटिव पोजीशंस बिटवीन ए एंड बी, और एक्स नॉट टू माइनस एक्स नॉट वन इज इक्वल टू एक्स नॉट एट टी इज इक्वल टू 0, ये तो कहूंगा ठीक है। तो इक्वेशन भी आपकी चेंज हो जाएगी, तो इक्वेशन क्या बन जाती है, अब इक्वेशन बन जाती है एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी टू माइनस वी वन इंटू टी, क्लियर है। तो अब वी टू माइनस वी वन क्या है, वी टू माइनस वी वन क्या दिख रहा है, वी टू माइनस वी वन दो वेलोसिटीज का डिफरेंस, और दो वेलोसिटीज का डिफरेंस बोले तो वी टू वेलोसिटी में से मैं वी वन वेलोसिटी को अगर माइनस कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगी, उनके बीच क्या रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। तो वी टू माइनस वी वन विल बी इक्वल टू, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, तो ये आता है आपके पास एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन टी। तो भाई इनिशियल सेपरेशन और फाइनल सेपरेशन को अगर मैं माइनस कर देता हूं तो मुझे अगर कोई डिस्टेंस मिल जाता है, तो उस डिस्टेंस को मैं सिंपली क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा किसके साथ, टी के साथ, तो मुझे ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा, उनकी रिलेटिव वेलोसिटी। अब खुद सोचिए, मैं और मेरा एक दोस्त, ठीक है, वो मेरे घर के पास एक जामा मस्जिद है, तो वो जामा मस्जिद पे है, मैं यहाँ पे, ठीक। अब मेरे बीच में और उसके बीच में इनिशियल दूरी क्या है, 500 मीटर की है, ठीक। वो अपने एक वेलोसिटी v2 से चल रहा था, मैं अपने एक वेलोसिटी v1 से चल रहा हूँ, उसकी वेलोसिटी मेरे से सपोज ज्यादा, तो टी टाइम के बाद उसने डिस्टेंस भी ज्यादा कवर कर रखा होगा, ठीक है। तो जब उसने डिस्टेंस ज्यादा कवर कर लिया होगा, दैट इज उसने एक्स टू डिस्टेंस कवर कर लिया, मैंने एक्स वन डिस्टेंस कवर कर लिया, तो टी टाइम के बाद अब हमारे बीच की जो दूरी बची वो कितनी बची होगी, सपोज 1000 मीटर, इनिशियल कितनी थी 500 मीटर, फाइनल कितनी होगी 1000 मीटर। तो फाइनल वाली जो है वो है एक्स 1000 मीटर, इनिशियल वाली जो है वो है 500 मीटर, 1000 में से 500 को माइनस करा क्या बचा 500, तो 500 को डिवाइड करूंगा किससे, जितना टाइम के लिए हम चले, तो ऑटोमेटिकली मुझे मिल जाएगा कि उसकी वेलोसिटी मुझे से कितनी ज्यादा है, कितनी ज्यादा है वो ये माइनस साइन बता देगा, कितनी ज्यादा है, ठीक है। वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ ज्यादा है या 10 की स्पीड के साथ ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली डिफरेंस बता देगा। तो मुझे इनिशियली क्या चाहिए होंगे, मुझे इनिशियल और फाइनल दोनों की रिलेटिव पोजीशंस के बारे में पता होना चाहिए। तो वो रिलेटिव पोजीशंस क्या क्या है, एक्स टू माइनस एक्स वन और एक्स नॉट टू माइनस एक्स नॉट, ठीक है। तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका भी देखना रोल क्या है, ठीक। अब सपोज करते हैं कि फाइनली टाइम टी इज इक्वल टू टी के बाद एक्स माइनस एक्स नॉट क्या था, 0, एक्स माइनस एक्स नॉट क्या था 0, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तब हो सकता है कि इनिशियली भी 500 मीटर की दूरी थी, ठीक है, और फाइनली भी 500 मीटर की दूरी थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब उनके बीच का जो डिफरेंस है वो चेंज नहीं हो रहा, पहले भी 500 मीटर था बाद में भी 500 मीटर है, तो इसका मतलब दोनों की वेलोसिटी क्या हुई होगी सेम। ये अगर जामा मस्जिद पर है, मैं अगर यहां पर हूं और दोनों चल रहे हैं, तो इसका मतलब टी टाइम के बाद भी उनके बीच का जो डिस्टेंस जितना पहले था उतना ही बाद में है, तो वो तभी पॉसिबल है ना जब दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। तो इसका मतलब एक्स माइनस अगर एक्स नॉट 0 के बराबर है, इफ एक्स माइनस एक्स नॉट इज 0, तो दिस इज ओनली पॉसिबल इफ वी टू विल बी इक्वल टू वी वन, ये तभी तो पॉसिबल है। तो अगर मैं इनका रिलेटिव वेलोसिटीज के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं, तो ध्यान से देखिए, ये अगर एक्स, ये अगर टाइम टी, तो अगर इनिशियल सेपरेशन था एक्स नॉट, फाइनल सेपरेशन था एक्स, ठीक है, तो टाइम टी के साथ जो दोनों डिस्टेंसेस कवर हो रहे होंगे वो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर हो रहे हैं, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली इन दोनों का डिफरेंस जब भी करूंगा वो क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्यों, क्योंकि टाइम टी के बाद इसने कवर करा 10 मीटर, इसने कवर करा 10 मीटर, तो वो 10 मीटर ऑटोमेटिकली ये बताएगा
वो 10 मीटर को ऑटोमेटिकली ये बताएगा, तो वो 10 10 मीटर आपस में माइनस होंगे तो क्या मिलेगा, जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी दो बॉडीज की रिलेटिव वेलोसिटी अगर सेम होगी तो उनकी जो लाइंस बनने वाली है रिलेटिव वेलोसिटीज के लिए वो कैसी बनने वाली है, पैरेलल बनने वाली है, ये याद रखेंगे। कैसी बनने वाली है, पैरेलल बनने वाली है। तो इसका मतलब अगर, हाँ अगर अगर मुझे इसी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना होता फिर तो ये भी आसान है यार। तो देखिए वेलोसिटी v1, ये वेलोसिटी v2 भी इसी के ऊपर, दोनों की वेलोसिटी तो सेम है ना भाई, है ना। तो आप उसी को क्या कर सकते हो, ओवरलाइन कर सकते हो, क्योंकि वेलोसिटी दोनों की क्या है, सेम है, v1 और इक्वल टू v2। तो आप यहीं पर मेंशन करोगे v1 और यहीं पर मेंशन करोगे क्या है वो v2। क्लियर है। तो दो बॉडीज अगर वो सेम वेलोसिटीज के साथ मूव कर रही है तो उनका रिलेटिव वेलोसिटी क्या होने वाला, जीरो होने वाला, रिलेटिव सेपरेशन क्या होने वाला, जीरो होने वाला। तो आपने सिंपली क्या कर देना है, दोनों लाइंस को पैरेलल ड्रॉ कर देना, ठीक। अगर अगर एक वेलोसिटी ज्यादा है दूसरी से तो क्या होगा, v2 अगर ज्यादा हो v1 से तो भाई v बढ़ती जाएगी आगे की तरफ, है ना। सपोज आप 80 की स्पीड से चल रहे हो और मैं धीरे धीरे आ रहा हूँ पीछे पीछे 40 की स्पीड से, आपको क्या लगेगा, आप पीछे से अगर मुझे आगे से मुझे अगर देख रहे होंगे तो मुझे, आपको तो ये दिखेगा ना मैं पीछे की तरफ जा रहा हूँ, क्यों, मेरी तो स्पीड कम है। आपको ये नहीं नोटिस होगा कि आप तेजी से जा रहे हो आगे, बट उसमें मुझे ये नोटिस होगा कि यू आर मूविंग एट अ हायर स्पीड। तो आप मुझे कैसे दिखोगे, आप बहुत तेजी से आगे की तरफ जा रहे हो, तो हमारे बीच का जो सेपरेशन है वो बढ़ता जा रहा है। सेपरेशन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, तो वो सेपरेशन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। इन सच अ केस, अगर सेकंड केस मानते हैं कि v2 - v1 अगर पॉजिटिव आता, अगर v2 - v1 पॉजिटिव आता है तो ध्यान से देखिए यहाँ पर v2 - v1 पॉजिटिव, और पॉजिटिव को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ टाइम के साथ और टाइम हो रहा है चेंज, तो बढ़ता टाइम क्या करेगा, x - x0 को भी बढ़ाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, xt ग्राफ ध्यान से देखिए कैसा बनेगा फिर। तो अगर ये सपोज आपके पास है x0 और ये आपके पास है x1, तो अगर मैं इसकी लाइन को ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ तो x1 नहीं x, तो ऑटोमेटिकली इनके बीच में जो दूरी है वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ती जाएगी, ये कभी भी मिलने वाले नहीं है, ठीक है। बट अगर उल्टा हो जाता है, फिर उल्टा इसका मतलब क्या है, v1 ज्यादा है v2 से, फिर अगर v1 ज्यादा है v2 से, दैट इज v2 - v1 क्या आएगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब x0 और x1 आपस में इंटरसेक्ट होंगे, ठीक है। तो अगर ये x और ये x0 हो गया, ये x हो गया, तो ये समथिंग यहाँ पर आके मिलेंगे, और जहां पर v1 क्या कर जाएगा, v2 को क्रॉस कर जाएगा, तो वो क्रॉस कहाँ करेगा, यहाँ पर। ऐसे ही होने वाला ना, जब पीछे वाला तेजी से आ रहा होगा आगे वाले को कभी ना कभी तो क्रॉस करेगा, तो वो क्रॉस समथिंग यहाँ पर करेगा। ये डिस्टेंस आप यहाँ से पता कर सकते हो, ये पर्टिकुलर कौन सा डिस्टेंस है पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपका रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट था, इसके बेसिस पर मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। वो क्वेश्चंस के लिए तैयारी रखें, डिस्क्रिप्शन में भी हो सकता है क्वेश्चंस मैं दूं, असाइनमेंट तो आपको मिलेगी मिलेगी गूगल क्लास वाले बच्चों, ठीक है। और ग्राफ्स के बेसिस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं और उन क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़ लें, ठीक है। तो आज के इंपॉर्टेंट जो मैंने कंसेप्ट आपको बताए हैं वो एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, क्या क्या थे। एक्सट्री ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, क्या बताता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इज इक्वल टू dx/dt, वेरी गुड, याद होनी चाहिए बेटा ये फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला a = dv/dt, ठीक है। दो पर्टिकुलर बॉडीज अगर आपस में, उनकी मुझे रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है तो मुझे सिंपली क्या करना है, उन दोनों को आपस में माइनस करना है, ठीक है। v2 - v1, v2 - v1 जीरो आता है तो ग्राफ ऐसा, v2 - v1 पॉजिटिव आता है तो ग्राफ ऐसा, v2 - v1 अगर नेगेटिव आता है तो ग्राफ ऐसा। तो रिलेटिव वेलोसिटी बेसिकली क्या है, दो पर्टिकुलर बॉडीज का सब्ट्रैक्शन ही। तो भाई इस टॉपिक को खत्म करते हैं एक न्यूमेरिकल के साथ, ठीक है। तो न्यूमेरिकल समथिंग कुछ ऐसा हो सकता है कि टू पैरेलल रेल ट्रैक्स, ठीक है, ट्रेन ए एंड ट्रेन बी रनिंग ऑन बोथ ऑफ देम। तो सपोज ट्रेन एंड इन अपोजिट डायरेक्शंस, तो मैं अपोजिट डायरेक्शंस मान लेता हूँ, सपोज अगर ये नॉर्थ है और ये साउथ है, जाहिर सी बात है दे आर बोथ अपोजिट टू ईच अदर। तो ट्रेन ए आ रही है आपकी नॉर्थ से और ट्रेन बी जा रही है आपकी साउथ से, तो दिस इज मूविंग टूवर्ड्स साउथ एंड दिस इज मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ,
ठीक है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो उस समय डायरेक्शन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस समय वेलोसिटी ऑफ ए को अगर मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ तो ऑटोमेटिकली वेलोसिटी ऑफ बी को क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव मानना पड़ेगा, बिकॉज दे आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ए अगर मैं मान लेता हूँ दे रखे 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बी अगर आपको दे रखे है वहां पर 90 किलोमीटर पर आवर, तो इस केस में क्या करेंगे, तो समझिएगा यहां पर, लेट वेलोसिटी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ बी टेकन एज पॉजिटिव। ये आपके हाथ में, जो कंसिडरेशंस होती हैं, जो एजम्पशंस होते हैं, जो आपके पास साइन कन्वेंशन होते हैं, वो आपके हाथ में होते हैं, आप कैसे लेके चलते हो। तो साइन कन्वेंशन जो मैंने लिया है वेलोसिटी का, वो पॉजिटिव कब लिया है, अगर वेलोसिटी नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, जिसका मतलब वेलोसिटी ए विल बी टेकन टू बी 54 किलोमीटर पर आवर पॉजिटिव, बट उसी सेम टाइम पर वेलोसिटी बी को क्या लिया जाएगा, माइनस का 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चाहो तो साइन का यहाँ पर ऐसा यूनिट्स का ध्यान में रखते हुए इनको मीटर पर सेकंड में भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, वो आपकी इच्छा है। अब पार्ट पहला पूछा जाता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए की रिलेटिव वेलोसिटी पूछी जा रही है विद रिस्पेक्ट टू बी। तो मैंने क्या कहा था, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, सब्ट्रैक्शन है दो वेलोसिटीज का, बट किसको किस में से सब्ट्रैक्ट करना है ये ध्यान में रखना है। तो इसी चीज को क्या मान लो, नेगेटिव माइनस साइन, इस चीज को माइनस साइन मान लो, हो गया आपका प्रॉब्लम सॉल्व कंप्लीटली। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी निकालना है इसमें, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ ए क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए है 54, माइनस का साइन तो ऑलरेडी था ही बीच में, बी की वैल्यू क्या है माइनस का 90, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा 144 किलोमीटर पर आवर। आप खुद सोचिए ना, जब दो गाड़ियां आमने सामने से जा रही हो, आप एक गाड़ी में बैठे हो, ठीक है, दूसरी गाड़ी जा रही हो 60 की स्पीड से, आप जा रहे हो 120 की स्पीड से, तो क्या वो गाड़ी आपको 60 की स्पीड से दिखेगी, वो एकदम से चली जाएगी छू करके पास में से, वो एकदम से जाएगी, बट उसको भी उतनी स्पीड आपकी लगी होगी या आप भी एकदम से छू करके उसके पास से गए। अब आपको जो उसकी स्पीड लगी उस समय, तो वो कितनी लगी, 120 आपकी स्पीड थी, 60 उसकी भी तो थी, है ना। तो आपको जो उसकी वेलोसिटी उस समय एक्सपीरियंस हुई, तो वो कौन सी वेलोसिटी एक्सपीरियंस हुई, आपको उसकी वेलोसिटी एक्सपीरियंस हुई 120 + 60, दैट बिकम्स 180। तो आपको उसकी वेलोसिटी जो एक्सपीरियंस हुई कि वो इस वेलोसिटी से आपको उसने क्रॉस कराया, दैट इज 180। तो उस केस में क्या कराया था, दोनों वेलोसिटीज को आपस में ऐड कर दिया जाता है। ये आपको शायद 9th क्लास में इस समय डायरेक्टली समझाया गया था कि जब दो बॉडी सामने सामने से आ रही हो तो उनके वेलोसिटीज को क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, बट अपोजिट डायरेक्शन में, आमने सामने वाला अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हूँ तो ऐड कर देना, बट अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है तो माइनस कर देना, तो वही काम कर रहे हैं। बट इस बार अपने लोग वेक्टर क्वांटिटी को समझा चुके हैं, इसलिए पूरा समझा के ही करेंगे, ठीक है। तो सेम टाइम पर अगर मैं कहता हूं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यार क्या फर्क पड़ता है, वी बी माइनस वी ए, तो वी बी की वैल्यू कितनी, वी बी की वैल्यू है -90, ठीक है, तो -90, और माइनस वी ए की वैल्यू कितनी, वी ए की वैल्यू 54, ठीक है, तो -90 -54 बिकम्स व्हाट, माइनस का 144 किलोमीटर पर। क्लियर। अब अगर मैं थर्ड पार्ट कहता हूं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर मैं ये मान लेता हूं कि ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट, बताओ ग्राउंड में कोई बंदा खड़ा वो देख रहा है सपोज, फिर क्या करोगे, तो आपको आपकी जो वेलोसिटी उसको एक्सपीरियंस होगी वो कितनी होगी। तो मैंने कहा क्या कहा है, विद रिस्पेक्ट टू माइनस साइन मानो बस, वी ए माइनस वी जी, ठीक है, तो वी ए की वैल्यू, वी ए की वैल्यू कितनी है 54 माइनस, अब ग्राउंड तो रेस्ट पर है तो ग्राउंड की वेलोसिटी क्या है 0, तो 54 किलोमीटर पर आवर। बट उसी सेम टाइम पर अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ए, अच्छा ए को ग्राउंड की वेलोसिटी कैसी दिखेगी, ए वाले को ग्राउंड कैसा दिखेगा, अगर मैं ए वाले की गाड़ी मैं चला रहा हूँ सपोज, ठीक है, और मैं बाहर ग्राउंड को देखूं, तो मैं तो उस समय यही नोटिस करूंगा ना कि ग्राउंड पीछे की तरफ जा रहा है, तो उसमें ग्राउंड का मुझे रेस्ट में नजर आएगा नहीं, है ना, उस समय ग्राउंड की समथिंग की वेलोसिटी नजर आएगी, तो
उस समय जो ग्राउंड की वेलोसिटी नजर आएगी वो मुझे पता करनी है, तो दैट इज वी जी माइनस वी ए विल बी इक्वल टू, तो ग्राउंड की अपनी वेलोसिटी तो जीरो है माइनस वी ए की वैल्यू कितनी 54, तो ऑटोमेटिकली वी ए की वैल्यू अपनी थी 54, वो जा रहा था इधर, बट जब वो ग्राउंड को देख रहा है तो वो जा रहा है इधर, दैट इज उसी उतनी वेलोसिटी से दैट इज माइनस का 54 आ जाएगा। ठीक है, रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, जैसे वी ए माइनस वी बी है तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है वी ए बी, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है वी बी ए, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा वी ए जी, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा वी जी ए, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली विद रिस्पेक्ट टू के साइन को जो वर्ड है उसको हटा के सीधा बीच में क्या पुट कर दो, माइनस साइन पुट कर दो, ऑटोमेटिकली आप निकाल लोगे कि जैसा भी रिलेटिव लॉजिक का क्वेश्चन आएगा कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा, और अगर हुआ यार तो प्लीज जाओ ना अपने वॉल्स पे हर जगह ठोक डालो, लाइक शेयर सब कमेंट जितने कर सके कर लो, ठीक है, बट इसको फैला दो हर जगह, हर बंदे के पास पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।